इन्वेस्टर्स, मैं हूं अनुभूति मिश्रा और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते के इंडियन इक्विटी मार्केट की जबरदस्त रैली और आने वाले क्रूशियल इवेंट्स के बारे में जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। पिछले हफ्ते इंडियन इक्विटी मार्केट में एक जबरदस्त रैली देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने पिछले हफ्ते के सारे लॉसेस को रिकवर कर लिया है और नए ऑल टाइम हाईस पे क्लोज किया। इस रैली के पीछे काफी फैक्टर्स रहे। पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज के साथ एफआईआईज ने लगभग 15,000 करोड़ की स्ट्रॉन्ग बाइंग की, जो एक मेजर ड्राइवर था। यूएस मार्केट्स भी अपने रिकॉर्ड हाईस पे पहुंच गए हैं और इसके साथ गिरते हुए क्रूड ऑयल प्राइसेस और वीक होते डॉलर इंडेक्स ने इंडियन मार्केट को और सपोर्ट दिया। अब आने वाले हफ्ते में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, यूएस एफओएमसी मीटिंग, जो शेड्यूल है सितंबर 18 को। यहाँ पर ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि यूएस इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल शुरू होने वाला है। जनरली तो ये माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, लेकिन कुछ लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि ये कट 50 बेसिस पॉइंट तक भी हो सकता है। एग्रेसिव रेट कट से इमर्जिंग मार्केट जिसे इंडिया को फायदा हो सकता है, क्योंकि ये वीकर डॉलर और लोअर यूएस यील्ड का सिग्नल देगा जो फॉरेन इन्फ्लोस को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर रेट कट एग्रेसिव हुआ तो ये यूएस इकोनॉमी में डीपर इश्यूज को भी इंडिकेट कर सकता है, और क्योंकि मार्केट्स पहले से ही ऑल टाइम हाईस पर हैं, तो अगर कंसर्न्स आते हैं तो एक पुलबैक का रिस्क भी बना रहेगा। जापान की इन्फ्लेशन डेटा और बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी डिसीजन भी इस हफ्ते आ रहा है। अगर जापान की तरफ से कोई टाइटनिंग का सिग्नल आता है तो येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग का रिस्क भी बढ़ सकता है, जो ग्लोबल मार्केट्स में फ्रेश वॉलेटिलिटी ला सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई पर है, जहाँ ये 25,500 का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम 26,000 की तरफ एक रैली देख सकते हैं। डाउनसाइड पर 25,000 का सपोर्ट लेवल बहुत क्रूशियल है। अगर ये ब्रेक होता है तो प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल 52,000 पर है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 53,357 के प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक रैली देखने को मिल सकती है। नीचे 51,200 इमीडिएट सपोर्ट है, जबकि 100 डे मूविंग एवरेज अराउंड 50,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के रूप में एक्ट करेगा। कमिंग टू दिस वीक्स स्टॉक पिक, PTC इंडिया में 238 के अराउंड बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस कमिंग टू दिस वीक्स स्टॉक पिक, PTC इंडिया में 238 के अराउंड बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 218 का रहेगा और टारगेट 280 का। That's all for now. Thank you for watching. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.